नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जर्मन सीखिए हिंदी में के नेक्स्ट एपिसोड में। पिछली बार हमने मोडाल वर्ब सीखे, आज हम जर्मन में फ्यूचर टेंस कैसे बोलेंगे या भविष्यकाल कैसे बोलेंगे वो सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपकी मोडाल वर्ब कंसेप्ट क्लियर है तो भविष्य सीखना एकदम सिंपल है। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी मोडाल वर्ब कंसेप्ट में कुछ भी डाउट है तो फिर से एक बार वो मोडाल वर्ब्स का वीडियो देख लेना। कुछ डाउट्स है तो वहां पे क्लियर कर दीजिए, कमेंट्स में आप अपने प्रॉब्लम लिख सकते हैं, मैं उनके आंसर्स लिखूंगा। क्योंकि अगर आपका मोडाल वर्ब क्लियर है तो आज हम सिर्फ एक वर्ब सीखने वाले हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न वन वर्ब और आपको भविष्य काल फ्री मिलने वाला है। तो वो कैसे करते हैं हम अभी देखते हैं। तो जो वर्ब हम सीखने वाले हैं भविष्य काल के लिए वो वर्ब है वेरडन, वेरडन। और वो चलता कैसे है अभी हम देखेंगे। इश वेरड, दू विर्स्ट, एरेजी वेर्ड, विय वेरडन, इय वेरडेट, विय वेरडन, जी वेरडन। अभी हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। चलो सब मिलके चाय पीते हैं। ओके, आई विल ड्रिंक टी, इश वेर्ड टी ट्रिंकन। अगेन, अगर मोडाल वर्ब आपको याद है ट्रिंकन एंड में जाएगा, इंफिनिटिव में रहेगा, वेर्डन चलेगा। इश वेर्ड टी ट्रिंकन, यू विल ड्रिंक टी, दू विर्स्ट टी ट्रिंकन, ही विल ड्रिंक टी, एर वेर्ड टी ट्रिंकन, वी विल ड्रिंक टी, विय वेर्डन टी ट्रिंकन, They will drink tea, sie werden tea trinken. Clear है? देखो फिर से रूल याद रखो, सेकेंड पोजिशन पे werden का रूप आएगा और वो चलेगा इश के या दू या एर के हिसाब से। जो मेन वर्ब है वो मोडाल वर्ब की तरह एंड में जाएगा और इंफिनिटिव में रहेगा। पांच एग्जाम्पल्स लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई विल ईट पिज्जा, आई विल ईट पिज्जा, इश वेर्ड पिज्जा एसन, यू विल ड्रिंक कोक, दू विर्स्ट कोक ट्रिंकन। ओके, और ही विल प्ले क्रिकेट, एर विर्ड क्रिकेट स्पीलन। अगेन विर्ड चला क्योंकि एर विर्ड है, स्पीलन स्पीलन ही रहा, एर विर्ड क्रिकेट स्पीलन। आई विल प्ले क्रिकेट, इश वेर्ड क्रिकेट स्पीलन, वी विल प्ले क्रिकेट, विय वेर्डन क्रिकेट स्पीलन। क्लियर है सबको? अभी हिंदी में भी कभी कभी हम एक पिक्यूलियर चीज करते हैं कि अगर आप पता है आपको कि भाई आप 5 बजे आने ही वाले हो तो आप कभी कभी बोलते हो मैं 5 बजे आता हूं या फिर मैं कल आता हूं। सो व्हेन यू नो यू आर गोइंग टू डू समथिंग 100%, तब आप वर्तमान काल का उपयोग भविष्य के लिए करते हो। जर्मन्स भी बहुत बार ये करते हैं, स्पेशली जो नेटिव स्पीकर जर्मन्स हैं वो, कि अगर कोई चीज वो 100% करने वाले हैं तो वो यूजिंग प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस बनाते हैं। मतलब कल मैं डेफिनेटली आने ही वाला हूं तो इश कॉम्मा मॉर्गन, इश कॉम्मा मॉर्गन, या फिर कल मैं मतलब 5 बजे में क्रिकेट खेलूंगा ही खेलूंगा तो इश्पील क्रिकेट उम फिल फोर। क्लियर है? हमने इश कॉम्मा मॉर्गन प्रेजेंट टेंस बना के फ्यूचर बनाया। अगेन ये थोड़ा हाई लेवल है, जब आपको आदत हो जाएगी तब आप ये बनाओगे। सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आपने किसी को यहां ये ऐसे सुना या कहीं पढ़ा तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। हम अपना बेसिक रूल ही यूज करेंगे। वो रूल फिर से रिवाइज करते हैं। हमारा वर्ब क्या है? वेर्डन, इश वेर्ड, दू विर्स्ट, एर जेजी वेर्ड, वियर वेर्डन, ईयर वेर्डेट, जी वेर्डन। और वेर्डन को चलाएंगे, मेन वर्ब एंड में रहेगा। आई विल प्ले क्रिकेट, इश वेर्ड क्रिकेट स्पीलन। मुझे आशा है कि आपको जर्मन फ्यूचर टेंस आसानी से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।